ओम श्री परमात्मने नमः। महोपनिषद द्वितीय अध्याय आगे। वासनाओं का जो निशेष परित्याग होता है वही श्रेष्ठ त्याग है। उसी विशुद्ध अवस्था को साधु जनों ने मोक्ष कहा है। पुनः जो शुद्ध वासनाओं से युक्त है तथा जिनका जीवन अनर्थों से शून्य है एवं जिन्हें ज्ञेय तत्व ज्ञात है, महाबुद्धिमान सुखदेव जी, वे पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं। पदार्थ भावना की दृढ़ता ही बंध कहलाती है और ब्रह्मन वासनाओं की क्षीणता को ही मोक्ष कहा जाता है। बिना तपा साधन आदि के स्वभावता ही जिसे जगत के भोग अच्छे नहीं लगते वह जीवन मुक्त कहलाता है। यथा समय प्राप्त होने वाले सुखों और दुखों में अनासक्त हुआ जो न प्रसन्न होता है और न दुखी होता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। हर्ष अमर्ष उद्वेग भय क्रोध काम और शोक की दृष्टि से जिसका अंतःकरण अछूता रहता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो अहंकारमय वासना को सहज ही त्याग करके स्थित होता है वह चितालंबन का सम्यक त्याग करने वाला जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी दृष्टि सदा अंतर्मुख रहती है, जिसको न किसी पदार्थ की आकांक्षा होती है और न उपेक्षा, जो सुषुप्ति के समान स्थिति में विचरण करता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो सदा आत्मा में रत है, जिसका मन पूर्ण और पवित्र है, परम श्रेष्ठ शांत अवस्था को प्राप्त कर जो संसार में किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जो किसी के प्रति आसक्ति न रखता हुआ उदासीन विचरण करता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसका हृदयाकाश संवेद पदार्थों के द्वारा तनिक भी लिपायमान नहीं होता तथा चेतन संवित ही जिसका स्वरूप है वह जीवन मुक्त कहलाता है। राग द्वेष सुख दुख धर्माधर्म फलाफल की अपेक्षा न करके जो काम करता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो अहम भाव को छोड़कर मान और मत्सर त्याग कर निरुद्वेग और संकल्पहीन होकर कार्य करता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो सर्वत स्नेह रहित होकर साक्षी के समान अवस्थित रहता है तथा बिना किसी इच्छा के कर्तव्य में लगा रहता है वह जीवन मुक्त है। जिसने धर्म और अधर्म को, जगत के चिंतन को तथा सारी इच्छाओं को अंतःकरण से परित्याग कर दिया है वह जीवन मुक्त कहलाता है। यह सारा दृश्य प्रपंच जो देखने में आता है इसको जिसने भली भांति त्याग दिया है वह जीवन मुक्त कहलाता है। चरपरे खट्टे नमकीन कड़वे स्वादिष्ट तथा स्वादहीन को जो एक समान समझकर खाता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। बुढ़ापा मृत्यु विपत्ति राज और दारिद्र सबको रम्य मानकर जो उपभोग करता है वह जीवन मुक्त है। धर्म और अधर्म सुख दुख तथा जन्म और मरण इनको जिसने हृदय से पूर्णतः त्याग दिया है वह जीवन मुक्त है। जो समत्व पूर्ण तथा स्वच्छ बुद्धि से उद्वेग और आनंद से रहित होकर न शोक करता है न उत्साहित होता है वह जीवन मुक्त है। सारी इच्छाओं सारी शंकाओं सारी कामनाओं और सारे निश्चयों का जिसने मन से परित्याग कर दिया है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जन्म स्थिति और विनाश में उन्नति तथा अवनति में सदा जिसका मन एक समान रहता है वह जीवन मुक्त है। जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, जो प्रारब्ध प्राप्त भोगों का उपभोग करता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसने संसार का चिंतन छोड़ दिया है, जो कलावान होकर भी निष्कल रहता है, चित्त के होते हुए भी निश्चित रहता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो संपूर्ण अर्थ जाल के मध्य व्यवहार करता हुआ उनसे उसी प्रकार निष्प्रह रहता है जैसे पराय धन के विषय में मनुष्य निष्प्रह रहता है, तथा जो आत्मा में ही पूर्णता का अनुभव करता है वह जीवन मुक्त है। शरीर के काल कवलित होने पर वह जीवन मुक्त अवस्था को छोड़कर गतिहीन पवन के समान विदेह मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। विदेह मुक्त अवस्था में जीव की न उन्नति होती है न अवनति होती है और न उसका लय ही होता है। वह अवस्था न सत्य है न असत्य है और न दूरस्थ है। उसमें न अहम भाव है और न पराया भाव है। विदेह मुक्ति गंभीर स्तब्ध अवस्था होती है। उसमें न तेज व्याप्त होता है और न अंधकार।
उसमें अनिवर्चनीय और अभिव्यक्त न होने वाला एक प्रकार का सत अवशिष्ट रहता है। वह न शून्य होता है, न आकार युक्त होता है, न दृश्य होता है और न दर्शन होता है। उसमें ये भूत और पदार्थों के समूह नहीं होते, केवल सत अनंत रूप में अवस्थित होता है। वह ऐसा अद्भुत तत्व होता है कि जिसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता। उसकी आकृति पूर्ण से भी पूर्णतर होती है। वह न सत होता है और न असत, और न सत असत दोनों होता है। न भाव होता है और न भावना। वह चेतना मात्र होता है, परंतु चित्त विहीन होता है, अनंत होता है, अजर होता है, परंतु शिव स्वरूप कल्याणकारी होता है। उसका आदि मध्य और अंत नहीं होता। वह अनादि तथा दोषहीन होता है। दृष्टा दृश्य और दर्शन की त्रुटि में वह केवल दर्शन स्वरूप माना जाता है। सुखदेव मुनि, इस विषय में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा निश्चय नहीं किया जा सकता। तुमने इस तत्व को स्वयं ही जान लिया है तथा अपने पिता से भी सुना है कि जीव अपने संकल्प से ही बंधन में पड़ता है और संकल्पहीन होने पर मुक्त हो जाता है। अतएव तुमने स्वयं उस तत्व को जान लिया, जिसको जान लेने पर इस संसार में महात्माओं को समस्त दृश्यों से अथवा भोगों से विरति उत्पन्न हो जाती है। तुमने पूर्ण चेतना में स्थित लाभ कर समस्त प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है। तुम तपा स्वरूप में स्थित हो, ब्रह्मन तुम मुक्त हो, भ्रांति को छोड़ो। सुखदेव जी बाहर तथा अत्यंत बाहर अंतःकरण में तथा उसके भी भीतर देखते हुए भी तुम नहीं देखते। तुम पूर्ण केवल स्थिति में साक्षी मात्र रहते हो। तदुपरांत श्री सुखदेव जी शोक भय और श्रम से रहित होकर संशयहीन और निष्काम हो पर तत्व स्वरूप आत्मा में स्थित होकर चुपचाप विश्राम को प्राप्त हुए। अखंड समाधि के लिए वे सुमेरु पर्वत के शिखर की ओर लौट गए। वहाँ सहस्त्रों वर्षों तक स्नेहहीन दीपक के समान उन्होंने आत्मदेश में स्थित हो निर्विकल्प समाधि के द्वारा शांति लाभ किया। संकल्प रूपी दोषों से रहित शुद्ध स्वरूप पवित्र और निर्मल आत्मपद में वे महात्मा सुखदेव जी वासना विहीन होकर उसी प्रकार एकत्व को प्राप्त हुए, जिस प्रकार सलील कण समुद्र में विलीन होकर उसमें एकता को प्राप्त होता है। द्वितीय अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।